द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन और नर्वस सिस्टम का यूनिट जो है वो कौन है ये न्यूरॉन ये न्यूरॉन का आपका डायग्राम है ये पूरा जो डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये एक न्यूरॉन है न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होते हैं ये देखिए ये डेंड्राइट्स हैं यह आपका न्यूरॉन में यहाँ न्यूक्लियस है इस पूरे बॉडी को कहते हैं सेल बॉडी कहते हैं और ये है एक है और इस तरह से ये एक जॉन टर्मिनल्स है ये नोड ऑफ रेनिवर है ये सब नोड ऑफ रेनिवर है और ये जो आपको सेल्स देख रहे हैं ये है आपका सेल, जिसे कि हम लोग माइलियन सीट भी कहते हैं द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरोन अब हम लोग स्टडी करते हैं नर्वस सिस्टम का यूनिट न्यूरोन को द यूनिट्स विच मेक अप द नर्वस सिस्टम नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स हमारे पूरे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम बना हुआ है तो वो नर्वस सिस्टम बनता है किससे नर्व सेल्स से जिस सेल से बनता है उस सेल्स को कहते हैं नर्व सेल्स नहीं तो उसे कहते हैं न्यूरॉन्स एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होता है जिसे कहते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स जिससे हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है सो न्यूरोन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि न्यूरोन जो है वह हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का वी कैन नाउ से दैट नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स हमारा नर्वस सिस्टम है जो कि स्पेशल सेल से बनता है जिसे कि कहते हैं क्या neurons. और न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन बॉडी और हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो कौन है न्यूरॉन है लुक्स लाइक एन इलेक्ट्रिक वायर एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह दिखता है न्यूरॉन कंटेन द सेम बेसिक पार्ट एज एन एनी अदर एनिमल सेल बट देयर स्ट्रक्चर इज टू बी एबल लार्ज डिस्टेंसेज इन द बॉडी न्यूरॉन्स में भी वही बेसिक पार्ट जो होते हैं जो बाकी दूसरे सेल्स में होते हैं बाकी के भी जो सेल्स में जो पार्ट्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया राइवोजोम इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम वो सब न्यूरॉन्स में होते हैं लेकिन ये स्ट्रक्चरली थोड़ा सा डिफर होता है और इसका एक स्पेशल तरह का यह बना हुआ होता है जो कि मैसेज को कैरी करता है एक लंबे से डिस्टेंस के लिए तुरंत बॉडी क्विकली क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं न्यूरोस कैरी मैसेजेज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल जो है वो मैसेज को कैरी करते हैं किस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल द केमिकल सिग्नल्स। किस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पलसेज और नर्व इंपल्सिज जिसे कि हम लोग टर्म दिए हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सिज नहीं तो नर्व इम्पलसेज कहते हैं न्यूरोन और नर्व सेल्स हैड थ्री कंपोनेंट्स एक न्यूरॉन या नर्व सेल्स को तीन कंपोनेंट्स होते हैं फर्स्ट होता है सेल बॉडी सेकंड है डेंड्राइट्स एंड थर्ड है एक्जॉन एक न्यूरॉन जो है उसे तीन भागों में बांटा गया है एक है आपका डेंड्राइट्स जो कि रिसीव करता है सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल्स और सेकंड है आपका एक्जॉन जो कि ट्रांसफर करता है सिग्नल्स को अदर सेल्स एंड ऑर्गन्स एंड नेक्स्ट है हमारा सेल बॉडी ऑर्गेनाइज सेल फंक्शनल ये पूरा जो लंबा जो है इसे हम लोग कहते हैं एक्जॉन ये है हमारा एक्जॉन और ये पूरा जो बॉडी है ये बॉडी हो गया सेल बॉडी और ये जो आपको निकला हुआ जो ब्रांचेज हैं सब ब्रांचेज हैं इसे कहते हैं हम लोग डेंड्राइट्स सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरोन इज लाइक अ टिपिकल एनिमल सेल और न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है वो एक एनिमल सेल की तरह ही होता है विच कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जिसमें कि आपको न्यूक्लियस भी होते हैं और साइटोप्लाज्म भी होते हैं यह है आपका सेल बॉडी न्यूरॉन्स का और ए नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स आर स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन, दे आर कॉल्ड नर्व फाइबर्स और इसमें से आपको एक लंबा और पतला फाइबर्स स्ट्रेच होता है जिसे की कहते हैं क्या नर्व फाइबर्स आप ये देखिए इस तरह से स्ट्रेच हुआ गया है ये जो देख रहे हैं ये क्या है आपका नर्व फाइबर्स है और दूसरा नर्व फाइबर्स आपको इधर की तरफ स्ट्रेच है तो दॉर फाइबर ऑन द बॉडी ऑफ न्यूरॉन आर कॉल्ड डेंट्राइट अब इसमें जो शॉर्टर फाइबर जो ये है आपका जो कि सब ब्रांच भी बहुत सारे जिसके हैं इसे कहते हैं हम लोग क्या डेंड्राइट। और द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल ऑफ बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्जॉन और जो सबसे लंबा फॉर्म होता है फाइबर होता है उसे क्या कहते हैं एक्जॉन ये है हमारा एक्जॉन इसे कहते हैं एक्जॉन तो एक्जॉन क्या होता है लंबा वाला फाइबर है सबसे लंबा वाला फाइबर लॉन्गेस्ट फाइबर और ये जो ब्रांच फाइबर्स हैं जो सेल से ये सेल बॉडी से जो निकला है और ये जो स्मॉल स्मॉलर है देन एक्जॉन इसे कहते हैं डेंड्राइट यानी कि हम लोग एक हम लोग एक न्यूरॉन को तीन भाग में बांट दिए एक्जॉन डेंड्राइट शॉर्टर फाइबर एंड एक्जॉन लॉन्गेस्ट फाइबर द एक्जॉन हैज एन इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव सीट और कवर ऑफ माइलियन अराउंड इट माइलियन इज मेड ऑफ ए फैट एंड प्रोटीन अब आप जो ये जो एक्जॉन है लंबा वाला जो फाइबर है इस एक्जॉन फाइबर को देखिएगा तो यह एक्जॉन फाइबर जो है वो आपका एक प्रोटेक्टिव सीट से घिरा हुआ रहता है माने कहने का ऐसा होता है जैसे लगता है कि बॉडी के ये आपका पाइप एक कॉपर वायर है और उस कॉपर वायर के ऊपर आपका जो कवर चढ़ा हुआ है प्लास्टिक का जो रबर का रहता है वो आपका माइलियन सीट है जस्ट लाइक सेम ये माइलियन सीट हो गया बोथ डेंड्राइट्स एंड एक्राइज फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन और जो दोनों का दोनों जो डेंड्राइट्स और एक्जॉन जो है वो न्यूरॉन के सेल बॉडी से ही एराइज होते हैं सेल बॉडी से ही निकले हुए होते हैं द मैसेज विच न्यूरोस ट्रांसमिट इन दर्वस सिस्टम न्यूरोस जो ट्रांसमिट करते हैं नर्वस सिस्टम में वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं नर्व इम्पल्स नहीं तो इम्पल्सिज नहीं तो इलेक्ट्रिकल इम्पलसेज द डेंड्राइट पिकअप द नर्व इम्पल्स और मैसेजेज फ्रॉम रिसेप्टर्स जैसे ही रिसेप्टर्स जो है आपका सबसे पहले मैसेज को कौन एक्सेप्ट करता है तो रिसेप्टर्स है ना? रिसेप्टर्स जो हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स है उसी के माध्यम से मैसेज आते हैं और वो मैसेज को सबसे पहला जो रिसीव करता है रिसेप्टर से वो कौन होता है डेंड्राइड्स डेंड्राइड्स ही पिकअप करते हैं है ना रिसेप्टर्स जो हैं मैसेज को ट्रांसफॉर्म कहाँ करते हैं डेंड्राइड्स को डेंड्राइड्स पिकअप करते हैं उस मैसेज को दे पास द इम्पल्स टू सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्जॉन अब यह डेंड्राइड्स मैसेज को कहा ट्रांसफर कर दिया सेल बॉडी में और सेल बॉडी उस मैसेज को दे दिया एक्जॉन में अब फिर यह एक्जॉन आगे ट्रांसफर करेगा द एक्जॉन पास द इम्पल्स टू अनदर न्यूरोन थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड सिनेप्स और एक एक्जोन जो है दूसरे एक्जोन को ट्रांसफर करता है मैसेज तो दूसरे ट्रांसफर को जहां जिस जगह पॉइंट से ट्रांसफर कर रहा है उस पॉइंट को कहते हैं सिनेप्स सिनेप्स वह पॉइंट है जहां से कि आपको एक आपका न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफर करता है तो दूसरा न्यूरॉन जो एक्सेप्ट करता है मैसेज वो कहां करता है आपको सेल बॉडी के डेंड्राइड्स पर है ना डेंड्राइड्स पर आपको सिनेप्स रहेंगे और वहां आपको वो मैसेज को एक्सेप्ट करेगा न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स न्यूरॉन्स भी जो होते हैं उसे तीन भाग में बांट दिया गया है एक है हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स फर्स्ट है हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स सेकेंड है मोटर न्यूरॉन्स एंड थर्ड है रिले न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स और मेटर न्यू मोटर न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग पहले भी जानकारी लिए हैं कुछ है ना ये देखिए आपका मोटर न्यूरॉन्स है आप यहाँ देखिए ये है स्ट्रक्चर मोटर न्यूरॉन्स का यहाँ ये देखिए डेंड्रॉइड्स हैं और ये एक्ज हैं है ना और ये एक्जॉन टर्मिनल्स हैं और ये, है। ये, है। ये देखिए आपका रिले न्यूरॉन्स है रिले न्यूरॉन्स में जो सेल बॉडी होता है वो इस तरह से होता है और सेल बॉडी से एक आपको लंबा सा निकला फाइबर्स और ये आपका नर्व फाइबर्स इस तरह से ब्रांचिंग होता है तो आप देख रहे हैं डिफ्रेंसेज बिटवीन मोटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरो अब इस सेल बॉडी से आपका एक्जॉन निकला क्लियर और यहां से एक लंबा सा निकला इधर डेंड्राइट्स निकल गया और इधर आपका एक्जॉन्स निकल गया और जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन होता है उसमें देखिए आपका सेल बॉडी जो होता है वह आपका इस एक्जॉन से इस तरह से अलग एक लगता है जैसे ब्रांचिंग बना लिया और इस तरह से सेल बॉडी रहते हैं और इधर ऊपर की तरफ गया एक्जॉन में और यहां एक जॉन से डेंड्राइट निकल गया और फिर नीचे की तरफ एक जॉन आपके रहते हैं और इधर आपका एक्जॉन टर्मिनल रहता है क्लियर तो ये डिफरेंस है तीनों के स्ट्रक्चर में सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन में सेंसरी न्यूरॉन्स अब हम लोग देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स सेल्स दैट कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन्स जो है एक रिसेप्शनिस्ट की तरह कार्य करता है और वो जैसे ही रिसेप्टर्स से मैसेज आता है उसे रिसीव करता है और कैरी करता है सिग्नल्स को कौन तो सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट फ्रॉम द सेंसरी सेल्स और रिसेप्टर्स रिसेप्टुवार द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या है कि जो भी मैसेज आएगा उस मैसेज को नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है स्पाइनल कोड और ब्रेन उसे ट्रांसफर कौन करता है तो सेंसरी न्यूरॉन्स जैसे देखिए ये हमारा बॉडी का स्किन है और इस स्किन में एक पिन चुभा जैसे ही पिन चुभा कि यहां हमारे बॉडी में आपको नर्व सेल्स मौजूद रहते हैं तो सेंसरी नर्व्स है अब ये सेंसरी नर्व्स को जैसे ही मैसेज आया कि ये मैसेज को लिया तुरंत और ले करके इस मैसेज को आपको हमारे स्पाइनल कोड और ब्रेन में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है मोटर न्यूरॉन्स नर्व सेल्स दैट कंट्रोल मसल्स एंड ग्लैंड या वह नर्व सेल्स है जो कि मसल्स और ग्लैंड को कंट्रोल करता है मोटर न्यूरॉन्स कैरी न्यूरोग्नल फ्रॉम द सी एन एस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स को लेता है और टू द इफेक्टर्स और इफेक्टर्स को देता है मोटर न्यूरोट अ रिस्पॉन्स सच एज कंट्रोलिंग अ मसल टू मूव अ लिम और वो मैसेज दिया कि जैसे कि मूव अ लिम्ब या रिलीजिंग ए हार्मोन फ्रॉम ए ग्लैंड टू मेक द किडनी बॉडी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेकर के मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं ग्लैंड्स को नहीं तो मसल्स को मैसेज भेजते हैं कि आपको वर्क करना है यह वर्क का ऑर्डर आया है अब जो वर्क ऑर्डर आता है उसके अनुसार वहां वर्किंग चालू हो जाता है मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कोड एंड ब्रेन टूवर्ड्स द मसल सेल्स और इफेक्टर्स अब मोटर न्यूरॉन्स जो है ये जो मोटर न्यूरॉन्स जो है ब्रेन से अब ऑर्डर आया है ना ब्रेन से ऑर्डर आया किसके माध्यम से मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से और इस मसल्स को मैसेज आया कि हाथ हटाओ कांटी चुभ रहा है और तुरंत वहां से हाथ हट जाता है ऑल्सो कॉल्ड इंटर न्यूरॉन्स अब रिले really न्यूरॉन्स क्या होता है बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स या सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में होता है यह कड़ी होता है जो आपका सेंसरी न्यूरॉन्स को और मोटर न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करता है कि भाई सेंसरी न्यूरॉन से यह मैसेज आया है मैं दूत हूं लीजिए अब आप ये अपना मैसेज पकड़िए और अपना मसल्स और ग्लैंड को मैसेज दीजिए और काम आगे तेजी से बढ़ाइए रिले और रिले न्यूरॉन रनर रैन बिटवीन सेंसरी मैन सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर मोटर न्यूरॉन ये जो रिले न्यूरॉन है ठीक आपका सेंस जो है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने का कार्य करते हैं कि लीजिए अपना कार्य और आगे इस कार्य को बढ़ाइए रिले न्यूरॉन्स अकर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में वेयर दे सर्व एज लिंक्स बिटवीन अदर न्यूरॉन्स जो कि न्यूरॉन्स को जोड़ने का कार्य करते हैं अब जैसे ही हमारे को ये देखिए माचिस की तीली इस हाथ के पास ले गए कि ये स्किन क्या किया उसे रिसेप्टर्स है उसे एक्सेप्ट किया कि ओह हो अंगुली जल रही है अब उसे तुरंत सेंसरी न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजा गया अब वहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ पर आपका रिले न्यूरॉन बैठा हुआ है अब इस रिले न्यूरॉन ने इसे क्या किया कि इस मैसेज को ट्रांसफर कर दिया मोटर न्यूरॉन को और यह मोटर न्यूरॉन क्या किया कि सेंट्रल नर्वस से जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर पर इसे मैसेज मिला कि यहाँ से क्विक हैंड हटाओ तो तुरंत वहां से हाथ हटाया गया कि हाथ जल रहा है तो इस तरह से फैक्टर मसल्स के पास आपको मैसेज आता है सेंसरी न्यूरॉन से जाता है रिले न्यूरॉन और फिर रिले न्यूरॉन से जाता है कहां मैसेज मोटर न्यूरॉन को और उसके बाद इफेक्टर मसल्स उस पर वर्क करना शुरू करता है सिनेप्स द गैप बिटवीन न्यूरॉन्स सिनेप्स क्या है न्यूरॉन्स के बीच एक हल्का सा गैपिंग है चलिए देखते हैं

नर्व इम्पल्स आर कैरिड ओवर दिस स्मॉल गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूरोमिकलस्टांस कॉल्ड न्यूरो नर्व इम्पल्स जो आता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो आते हैं वो आपको चलते हैं एक केमिकल सब्स्टांस के द्वारा जिसे कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर मोलिक्यूल न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटांस अब यही न्यूरो ट्रांसमिटर सबस्टांस यहाँ से रिलीज हुआ अब ये रिलीज होता है और इसे ये यह यहाँ पर दूसरा जो नर्व्स है वो उसे एक्सेप्ट किया और अंदर भेज देता है ये रिसेप्टर मोलिक्यूल्स है है ना ये न्यूरो ट्रांसमिटर मोलिक्यूल्स ही एक्सेप्टर मोलिक्यूल्स है जो कि यहाँ इस तरह से इसमें आ जाते हैं एक एक्जॉन से टर्मिनल से ये जो एक्जॉन का टर्मिनल है यहाँ से ये यह डेंड्राइड्स है फिर दूसरा नर्व सेल्स का डेंड्राइड्स है और इसके बीच में ये जो गैपिंग है उसे सिनेप्स कहते हैं और यहां से न्यूरो न्यूरोट्रांसमीटर मोलिक्यूल्स के द्वारा ये डेंड्राइट में फिर दूसरे नर्व्स में आपको वो नर्व इंपल्स पहुंच जाता है माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन ए पेयर ऑफ ओवर न्यूरो नर्व इम्पल्स पास वेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड सिनेप्स का यही डिफिनिशन है कि एक माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ ऑफ न्यूरॉन्स ओवर नर्व पास व्हेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज जा रहा है तो वहां पर जो गैपिंग है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं सिनेप्स कहते हैं दिन कनेक्ट सिनेप्स जो है वो न्यूरोन को कनेक्ट करते हैं इट लुक्स सरप्राइजिंग दैट इवन गैप्स कैन कनेक्ट टू थिंग्स लेकिन यहाँ एक सरप्राइजिंग चीज है कि गैप भी किसी भी चीज को कनेक्ट कर सकता है तो वो है सिनेप्स। रिसेप्टर मोलिक्यूल्स और डेंड्राइटिक रिसेप्टर्स सिग्नल रिसीवर्स अब जो सिग्नल रिसीव हो रहा है वो कहां पर हो रहा है डेंड्राइटिक रिसेप्टर है रिसेप्टर इन ए सेंस ऑर्गन इज इन टच विद टेंड्राइड ऑफ सेंसरी न्यूरॉन और जो रिसेप्टर्स आपका मैसेज को रिसीव कर रहा है दूसरा न्यूरॉन वो है हमारा स्टिमुलस स्टिमुल on the receptor a chemical reaction is set up, which produces an electrical impulse in it this impulse travels from the dendrite of sensory neuron to its cell body and the, along its axon at the end of axon of sensory neuron the electrical impulse release tiny amount of a chemical substance into the synapse or gap अब होता क्या है कि डेंड्राइट्स के द्वारा जो सिग्नल आया रिसिप्ट किया गया वह पूरे सेल बॉडी के माध्यम से होता हुआ एक्जॉन से होता हुआ वो चला आता है और फिर वहाँ पर जो आपका जो मैसेज आया है न्यूरो ट्रांसमीटर मोलिक्यूल्स के माध्यम से वह दूसरा जो यहाँ है सिनेप्स गैस पर यह न्यूरो ट्रांसमीटर मोलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करता है सेकेंडरी न्यूरॉन्स का डेंड्राइट और वहाँ इस तरह से फिर सेकेंड न्यूरॉन्स में वो आपका इम्पल्स चला जाता है दिस केमिकल द गैप और सिनेप्स एंड केमिकलस्टांस सिमिलर इलेक्ट्रिकल इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरोन फ्रॉम द डेंड्राइट दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कैरीड टू द सेल बॉडी एंड देन टू द एंड ऑफ कॉल्ड ऑफ द सेकंड न्यूरोन और फिर अब इस डेंड्राइट से चला और फिर सेल बॉडी में पहुंचा और फिर सेल बॉडी से एक्जॉन में गया फिर एक्जॉन का जो टर्मिनल है वहां से निकला और फिर एक् टर्मिनल से यहाँ पर जो गैपिंग है सिनेप्स है, फिर इस सिनेप्स के माध्यम से यहाँ से फिर दूसरे न्यूरॉन में चला जाता इस तरह से कंटिन्यू आपका प्रोसेस चलता है और मैसेज आपका फाइनल एंड तक पहुंचता है इट कैन देन बी ट्रांसफर टू अ थर्ड न्यूरोन इन ए सिमिलर वे दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिचेज द रिले न्यूरोन इन स्पाइनल कोड एंड ब्रेन और फाइनली यह चलते चलते हमारा स्पाइनल कोड और ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो स्पाइनल कोड और ब्रेन है वहां के रिले न्यूरॉन के पास पहुंचता है अब रिले न्यूरॉन के पास जब यहां पहुंच गया तो वो कहता है कि ठहरो अब इस पर काम किया जाए और रिले न्यूरॉन उस पर कार्य करके और वो उसको मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर ट्रांसफर करता है कि लीजिए ये मैसेज आया है अब इस पर इस तरह से काम आपको करना है और उसके हिसाब से मोटर न्यूरॉन क्या करता है मैसेज को ट्रांसफर कर देता है किसको या तो ग्लैंड्स को अगर जरूरत है तो और नहीं तो अगर मसल्स को देना है तो मसल्स को मैसेज दे देता है और उसके अनुसार कार्य होना लगता है द रिले न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स कनेक्ट इन अ सिमिलर वेट टू ब्रिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू द इफेक्टर्स लाइक मसल्स एंड ग्लैंड अब यह जो रिले न्यूरो एक्सेप्ट किया मैसेज को वो क्या करता है कि मोटर न्यूरोन्स को यह मैसेज ट्रांसफर कर देता है और वह मोटर न्यूरो फिर इस मैसेज को मसल्स या ग्लैंड को ट्रांसफर कर देता है और वो मसल ग्लैंड आपका इफेक्टर मसल्स के द्वारा रिसिप्ट किया गया और वहां पर एक्शन उस पर हो गई सिनेप्सिस एक्चुअली एक्ट लाइक वन वे वाल्व सिनेप्सिक जो है वो एक्चुअली वास्तव में वन वे वाल्व की तरह कार्य करता है दिस इज बिकॉज़ द केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ द गैप क्योंकि केमिकल सब्सटेंस जो है वो आपको एक साइड में ही मौजूद रहते

चलता है इन दिस वे सीनेपसिज इंश्योर दैट नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन वनली वन डायरेक्शन थ्रू अ पार्टिकुलर सेट ऑफ न्यूरोन्स सीनेप यह इंश्योर करता है कि नर्व इम्पल्स जो है वो वन डायरेक्शन में ही चले